नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 18 मई मंगलवार सुबह 8 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कोरोना काल के दौरान दिव्यांग छात्र छात्राओं और युवाओं को 2000 स्कूटी वितरण करने का फैसला किया है। मिली जानकारी के अनुसार यह स्कूटी दिव्यांग छात्र छात्राओं और युवाओं को दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार पर इस फाइल पर अपनी स्वीकृति दे दी है। इस योजना पर 15 करोड़ से अधिक का खर्चा आएगा। पाली जिले के गुड्डा एंडला थाना क्षेत्र में पत्नी के अनबन के चलते एक युवक गुड्डा एंडला थाना क्षेत्र स्थित अपने ससुराल पहुंचा और जंगल में एक पेड़ से फांसी लगा ली। युवक का शव पेड़ से लटका होने की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जाँच में सामने आया है कि मृतक और उसकी पत्नी में अनबन चल रही थी। मृतक की पहचान जालोर जिले के किशनगढ़ निवासी लहराराम के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जयपुर जिले के सोडाला थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी इंजेक्शन को 25 से 30 हजार रुपए में बेच रहे थे। इस गिरोह में निजी अस्पताल का कर्मचारी भी शामिल है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जोधपुर जिले के लूणी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को अपने साथी की मदद जान देकर करनी पड़ी। मिली जानकारी के अनुसार निम्बला टोल नाका के पास एक सड़क हादसा हो गया, जहां टोचिंग टैक्सी को पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि हादसा होने के कारणों की जाँच की जा रही है। राजस्थान में कांग्रेस सत्ता और संगठन की वर्चुअल बैठक हुई। बैठक में 21 मई को राजीव गांधी के बलिदान दिवस के दिन की शुरुआत सेवा कार्यों से किए जाने के बारे में चर्चा की गई। राज्य कांग्रेस के विधायक अपने कोटे से 2 एम्बुलेंस देंगे। वहीं 21 मई से मास्क वितरण का अभियान शुरू होगा। फूड पैकेट, मेडिकल किट घर घर पहुँचाने का अभियान चलाए जाने पर भी चर्चा की गई। अजमेर जिले के रूपनगढ़ थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने की जानकारी सामने आई है। पीड़ित के परिजनों ने सिंगला निवासी 24 वर्षीय आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि 9 वर्षीय मासूम घर के बाहर खेल रहा था। उसी दौरान आरोपी युवक आया और उसके साथ कुकर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। वहीं आरोपी अपने घर से फरार है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। कोटा जिले के रामगंज मंडी के सुकेत थाना क्षेत्र के नालोदिया गांव में पैर फिसलने से एक युवक कुएं में गिर गया, जिसके कारण युवक की डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को ग्रामीणों की सहायता से कुएं से बाहर निकलवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि युवक पाइपलाइन का कार्य कर रहा था, उसी दौरान यह हादसा हो गया। जयपुर जिले के जवाहर सर्किल थाना क्षेत्र के सिद्धार्थ नगर में बीमारी से परेशान एक युवक डिप्रेशन में आ गया, जिसके चलते उसने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि मृतक गौरव काफी दिनों से बीमारी के कारण डिप्रेशन में था, जिसके चलते उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। उदयपुर जिले के सेमाड़ी थाना क्षेत्र के सतकड़ी रोड पर पत्थर की खदान ढह गई। हादसे में एक श्रमिक की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू टीम की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।